देख बर्फी वाइंस हो ही पे ये जो कि ये बस बीड़ी सिगरेट जर्दा हूंगा दान करा उनका आज का मुख्य मुद्दा गुड़ गर्म होता है या ठंडा बंगला मुखी फूल भी लगा हुआ है जा रहे हैं 5:30 सुबह के बजे हैं 5:30 और आज है तीसरा दिन और हमारे साथ हैं बर्फी वंश से ईशान शर्मा और मैं अभिनव शर्मा। तो भाई जी आज हम कहाँ जा रहे हैं? बगलामुखी। तो आज हम जा रहे हैं बगलामुखी। अभी 6:10 हो। कोई शॉर्टकट वगैरह है कि नहीं? अपने भाई लोग कदम ताल करते हुए कदम से कदम लाते हुए और चलते हुए आगे की तरफ। ओ भैया बस आता ही आ गया मुआ जी। रमनी धाम हमने पूरा 3.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंचे हैं रमनी धाम। अब जो कि ये है 7:37 हो गए हैं। तो भाइयों यहाँ पे हम खाना मांगते हुए देखते हैं हमें खाना मिलेगा कि नहीं। तो आंटी जी ने कहा अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया नहीं है और कुछ चाहिए तो ले सकते हैं। तो हमने मांगा दूध। धन्यवाद आंटी जी। बस काफी है इतना। हाँ जी हाँ जी हो जाना जी हो जाना जी चाय बनानी है। धन्यवाद जी। चलो 7 किलोमीटर चलने के बाद आगे हमारे साथी हमारा इंतजार करते हुए कोई दानी सज्जन मिल गए हैं। पता नहीं कौन है। और जो भाई थे वो उनका नाम था रणबीर। आप क्या कहना चाहते हैं? हमें बहुत ही फायदा मिल रहा है कि हैप्पी भाई की जान पहचान है उसकी वजह से हमें हैप्पी भाई की अनुगुआई में। तो रणबीर भाई जी का तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने 7 पंडितों को भोज करवाया सुबह सुबह। ए जी गांव वाले इतने करे चाह दूध रोटी पानी बीड़ी सिगरेट जर्दा हूंगा दान करा हाथा जोड़ने प्रार्थना ही बोटा पाने तो चट जाए कुछ नहीं दिंदे। पहुंच गए हैं शिवनाथ और यहाँ पे है शिव भगवान का मंदिर जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे हमने माथा टेका और हम विश्राम करेंगे। तो भाइयों आप देख सकते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज हम थक से गए हैं 12 किलोमीटर चलने के बाद। तो दोस्तों हम पहुंच गए दोसड़ का और ये हम बना रहे हैं नींबू पानी काफी नहीं जा गुड़ पाई लेंगे चाय दोस्तों धूप के चलते बंदे हो गए हैं स्लो। धूप है बहुत ज्यादा। तो आप देख सकते हैं मुनीश भाई जी ने ईशांत भाई का भी बैग उठा लिया है क्योंकि ईशांत भाई जी अब थोड़े से थक गए हैं। थकान इनके चेहरे पे दिख रही है। दिखाइए जरा चेहरा ये देखिए।
शंभू, हर हर महादेव। किस तरफ चले महात्मा जी? अभी चिंतपूर्णी जाएंगे। अच्छा, ज्वाला माता भी गए? ज्वाला जी भी गए? ज्वाला माता, ज्वाला माता इधर से जाएंगे बस। अच्छा ठीक है, जय शंकर की। जय शंकर। हम भी वैसे ही है, हम भी ऐसे चले हैं भिक्षा मांग के। नमो नारायण। सोयाबीन और चने मुद्दा की गुड़ गर्म होता है ठंडा, कमेंट करके बताइए। बोला आज का मुख्य मुद्दा गुड़ गर्म होता है या ठंडा, तो दोस्तों कमेंट करके बताएं। ठंडा तो हमारे डंगर डॉक्टर जी बोल रहे हैं कि गर्म होता है। टाइम हुए 1:37। चे ला बालिये सुंदरा सा पाड़े पकीरा नू। तो हमने पूरे 21 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है दोस्तों, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं मंदिर। किस साइड आने से सीधे? आज है तीसरा दिन और दोपहर हो चुकी है और हम पहुंचने वाले हैं बगलामुखी। पूरे 97 किलोमीटर होगी है यात्रा। 2:10 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं बगलामुखी। मंदिर है, और हम पहुंच गए हैं बगलामुखी। और ये है प्रवेश द्वार। तो हमें दिख गया है बेसन जिस पे हमारी पूरी नजर है, क्योंकि ये तो माता को चढ़ाया गया है तो ये हमारे लिए तो प्रसाद ही है, तो मौका देखते ही हम इसे उठाएंगे जरूर। और भैरव जी को चढ़ाई गई है यहाँ पे शराब। शराब के देवता जी चले गए हैं और देख के आ गए हैं ये सच में ही शराब है कि क्या। तो भाइयों जो बेसन हमने देखा था वो हम उठा के ले आए हैं, अब हम इसे खाएंगे। आप देख सकते हैं इस पे फूल भी लगा हुआ है। तो भाइयों एक बार फिर से विकास जी बेसन उठाते हुए जो कि माता के चरणों से आ रहा है, ऐसा प्रसाद कहीं नहीं मिलेगा। अब क्या करें, हम तो खाएंगे, जो शर्मा कर रहे हैं वो करते रहें शर्मा। तो भाइयों हमने तो सोचा था कि दिन का भोज जो है हम मंदिर में ही करेंगे, लेकिन हम हो गए हैं थोड़े से लेट। भोजन जो है मिलता है 2 बजे तक और अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी है, अब हमें रास्ते में किसी से मांग कर ही भोजन करना पड़ेगा और ना ही हमारे रुकने का यहाँ पे कोई इंतजाम हुआ है। तो हमने डिसाइड किया है कि अब हम कांगड़ा तक ही सफर करेंगे। चलन जा रहा है भाई? चलन जा रहा है आपसे? पैर फूल गए हैं। 2:50 से हम बंगलामुखी से निकल चुके हैं। पैदल कोई गाल नहीं, खाओ तुम्हें जा रहे हैं। और हमारे भाई जी ने एक एक 7 पीस कर दिया, 7 जने। 8 से 9 पीस हो ये, कोई फिक्र ही मत करो भाई। जय माता दी। धन्यवाद। आपका सुनना रवि कुमार।
रवि कुमार जी ने हमें एक और चीज भेंट दी है सारे मंडी दिनों। रुकना नहीं, थकना नहीं, घबराना नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पिछले पैर को उठा के आगे रखना है, चलते रहो वही काम करना है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, पिछले पैर को उठा के आगे रखना है, चलते रहे चलते रहे, कोई नया काम नहीं है, बस यही है जिंदगी की, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। कहीं प्रॉब्लम ये हो गई है, पानी नहीं बचा है किसी के पास भी, काफी ऊपर तक आ गए हैं बगला मुखी से हम। इससे हमें सीख ये मिल रही है कि बगला मुखी में ही हमें पानी की बोतल भर लेनी चाहिए थी, पर वजन कम करने के चक्कर में और ना ही रेस्ट करने के लिए कोई अच्छी सी जगह मिल रही है। बड़ी मुश्किल से कोई 3 किलोमीटर आगे जाके हमें एक रेन सेटर मिला है और साथ में एक ढाबा। पूरा जंगल क्रॉस करने के बाद बस हमें चाहिए पानी, जो कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी, सबसे डिफ़िकल्ट रहा है ये वाला पोर्शन, क्योंकि सबके पास पानी ख़त्म हो चुका था, 2 लीटर की बोतल भी ख़त्म थी हमारी। ये देखिए, इनके बोलने से ही पता लग रहा है कि पानी की कितनी घोर ज़रूरत हो गई थी। जय शिव शंभू। अब मैं कर रहा हूँ वीडियो बंद, मैं पीऊँगा पानी। Day 3 में हमने पूरे 50 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, अभी तक तो हमने 25 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। आगे का सफ़र हम सुबह के 3:30 बजे तक कंटिन्यू करते रहेंगे, जो कि हम आगे वाले भाग में आपको दिखाएंगे।